ए सिस्टम, अगर आप देखो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टीरोन का एक कंबाइंड सिस्टम है जो कि आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इफेक्ट होने पे कॉज हो जाता है। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है? जितना भी आपने देखा है नेफ्रॉन का साइज कि ये नेफ्रॉन वोमन कैप्सूल्स, नेफ्रॉन के ऊपर यहाँ पे ग्लोमेरुलस यानी आर्ट्रियल का एक नेटवर्क होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब वो ग्लोमेरुलस जितना भी अमाउंट ब्लड का आया है कि ब्लड में जितना भी न्यूट्रिएंट है आपका, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर हो गया, सारा का सारा वोमन कैप्सूल्स में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन वाली फिनामिना होती है। तो कितना अमाउंट आया आपके ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में, कितना अमाउंट ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके वोमन कैप्सूल में आया, तो वो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपका, अगर हम किडनी का निकालें, पूरी किडनी में आपके एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन के अप्रॉक्सीमेट होते हैं, टू किडनी में 2 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट। अगर आप दोनों किडनी का एक रफली स्ट्रक्चर या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप निकालोगे तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट 125 ml होती है। ओके, दिस वन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट। अगर आप इसको पूरे डेज में कैलकुलेट करोगे 180 लीटर पर डे। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन वाली फिनामिना होती है, और फिनामिना होके आपका फाइनली जो यूरिन का लेवल होता है 1 to 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिन बिकम वेरी वेरी कंसनट्रेटेड। ओके, सिर्फ यूरिया का, क्रेटिनिन का, ह्यूरिक एसिड का ये अमाउंट हमें बाहर निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बॉडी में वो हमें बाहर निकालने हैं। ओके, इसीलिए आपके यूरिन में वाटर के अमाउंट हमें रोकने हैं, वाटर को वापस से आपको ब्लड में भेजना है। इसको रीअब्जॉर्प्शन वाली फिनामिना बोलते हैं। ग्लोमेरुलस रेट ही जब इफेक्टेड हो जाए, पहली फर्स्ट फिनामिना हो रही है फिल्ट्रेशन वाली, तो वही इफेक्टेड हो जाए, वो अगर कम हो जाए, उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। उसका रीज़न हो सकता है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर के थ्रू ब्लड कम फ्लो होगा और यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्लो होगी, बहुत कम होगी, तो क्या होगा? तब आपके लिवर में बनता है आपका एंजियोटेंसिन। दिस वन इज़ अ लिवर। लिवर में आपका एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होता रहता है, बट दिस वन इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म। एंजियोटेंसिन इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये इनएक्टिव टाइप का फॉर्म हो रहा है। आपका लिवर बहुत सारी चीज़ें फॉर्म करता है, जो ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है आपका, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, वो भी आपका यहीं से बनता है। ओके, बाद में ब्लड में फ्लो होता रहता है। ऐसे ही एंजियोटेंसिन भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है लिवर से और ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। जब ऐसी कंडीशन आती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, तब क्या होगा? आपका ये जो किडनी है उसके जस्ता ग्लोमेरुलस अपरेटस में जस्ता ग्लोमेरुलस सेल्स होती है बहुत सारी, उन सेल्स से रिलीज होने लगता है रेनिन। अब ये वाला रेनिन में और उस वाले रेनिन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये रेनिन है, इसकी स्पेलिंग है RNIN, सिंगल एन है। एक रेनिन हमने पढ़ा था, ठीक है, इसकी सिंगल एन है। एक रेनिन हमने पढ़ा था कि जो आपने स्टमक में पढ़ा होगा, स्टमक में रिलीज होता है, इन्फेंट में रिलीज होता है, जो कि आपका मिल्क प्रोटीन को, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो मिल्क को कैल्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है, तो वो आपका अलग है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। ये आपका किडनी से आ रहा है, किडनी के JGA सेल से। तो रेनिन क्या काम करेगा? ये रेनिन ना इसको एक्टिव करने का काम कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अब नेक्स्ट आगे हम एंजियोटेंसिन के पास, ये एंजियोटेंसिन कहाँ जाके एक्ट करेगा? ये एंजियोटेंसिन आपके एड्रीनल ग्लैंड में जाके एक्ट करेगा। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? एड्रीनल ग्लैंड किडनी के टॉप पे सिचुएटेड होती है, कि ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में जाके एक्ट करेगा। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट बने होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलर रीजन। मेडुलर रीजन में प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन हार्मोन, जिसको एमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं आप। कॉर्टेक्स रीजन में सिचुएटेड होते हैं आपके, और बहुत सारे होते हैं यहाँ एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज हो रहा है आपका एल्डोस्टीरोन हार्मोन। एल्डोस्टीरोन को हायर वैसो कंस्ट्रिक्टर भी कहा जाता है। ये क्या करेगा? ये कहाँ जाके एक्ट करता है? DCT में जाके एक्ट करता है। DCT में जाके ये एल्डोस्टीरोन बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन। जहाँ सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा देता है। और क्या होगा? जहाँ पे सोडियम आयन अगर ब्लड में आपके आ गया, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये सारा ब्लड रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी
नफ्रॉन से, आपकी किडनी के नफ्रॉन से ब्लड में जा रहा है, तो ब्लड में जाने के बाद ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड्स वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ग्लोमेरुलस रेट बढ़ गया, हमें यही चाहिए था। लेकिन ये हायर ब्लड प्रेशर जो है वो आपके हार्ट पे भी इफेक्ट कर सकता है। यस, हार्ट के बाहर जो हार्ट की वॉल है, आपकी हार्ट की मसल्स हैं, उसमें कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई दे रही होती है। अब कोरोनरी आर्टरी जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हार्ट की ब्लड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उस कोरोनरी आर्टरी को क्या करना है, कोरोनरी आर्टरी को आपको डायलेट करना है, तो वो हम नहीं कर सकते। हार्ट के पास अपने आप को रेगुलेट करने के लिए ANF होता है। ANF क्या होता है, ANF है आर्टरियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये ANF क्या करेगा, ये ANF कुछ नहीं करेगा, बस वैसो डायलेट करने का काम कर देगा, वेसल्स जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उन वेसल्स को डायलेट करेगा। ओके, ये ANF कहाँ से रिलीज हो रहा है, हार्ट की मसल से ही रिलीज हो रहा है। ओके, तो दोनों का काम चल गया, आपका ब्लड ग्लूकोज GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया और यहाँ पे हार्ट की वॉल को इफेक्ट भी नहीं पड़ा। तो ये है आपका RAS या फिर RAA सिस्टम। इससे आप क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई भी क्वेरी आती है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।